अपने लिए कुछ क्रिएट करने के लिए, वो भी थोड़ा सा सीक्रेट है, तो वो मैं आपको बाद में रिवील करूँ. इट वॉज रियली फ्रस्ट्रेटिंग. स्पार्कलिंग डीवा में, जहाँ पे मैं वीडियोस लेकर के आती हूँ रिलेटेड टू फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, व्लॉग्स एंड सम मेंटल टिप्स. सो फ्रेंड्स, काफी दिनों बाद मैं ऐसे बैठ करके वीडियो शूट कर रही हूँ प्रॉपर लाइटिंग सेटअप के साथ में, वीडियो सेटअप के साथ में. तो काफी दिन हो गए थे ऐसे शूट किए हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक आपके लिए इस तरह का वीडियो लेकर के आया जाए, जिसमें मैं आराम से बैठ करके आपको एक हाउल वीडियो आपके साथ में शेयर कर सकूं. तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अमेजन हाउल. सो गाइज, कुछ दिन पहले मैंने अमेजन से कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे एंड वो अब मेरे पास आ चुके हैं. मैंने सोचा क्यों ना, जब मैंने उसे मंगवाया है अपने लिए कुछ क्रिएट करने के लिए, वो भी थोड़ा सा सीक्रेट है, तो वो मैं आपको बाद में रिवील करूंगी ये वीडियो आने के बाद. जो प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे चाहिए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँ, ताकि आप लोग को भी कुछ हेल्प मिल जाए. रिव्यूज में आप लोगों के साथ में शेयर करूँ कि किस तरह के वो प्रोडक्ट्स मुझे रिसीव हुए हैं और क्या क्या, किस किस कंडीशन पे और क्या उसकी प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड ऑल सब कुछ है. तो चलिए बिना किसी देरी के राइट जंप इनटू द वीडियो. और हाँ फ्रेंड्स, जिनको नहीं पता है, बस अब कुछ ही दिनों में ग्रेट इंडियन फेस्टिवल शुरू होने वाला है अमेजन पे, तो इस मौके का भरपूर फायदा उठाइएगा. जो मैंने प्रोडक्ट्स लिए हैं, शायद मे भी ये प्रोडक्ट्स आपको इससे भी कम प्राइसिंग पे मिले. होम डेकोर आइटम्स, क्लोथिंग आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट नॉट. तो जल्दी से जल्दी विश लिस्ट करना शुरू कीजिए अपने प्रोडक्ट्स को, जो भी आपको चाहिए इस ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पे. सो गाइज, जो पहला प्रोडक्ट है, दैट इज द डेस्क मेकअप ऑर्गेनाइजर. सो ये इस तरह का आपने काफी बार देखा भी होगा, अमेज़न पे अवेलेबल होता है मेकअप ऑर्गेनाइजर. डेस्क काइंड ऑफ ये आपको स्ट्रक्चर में मिल जाता है, एक वैनिटी मिरर में आप अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल्स पे भी रख सकते हैं. एंड दिस इज ऑल मेड अप ऑफ प्लास्टिक. यह आपको दो तीन कलर्स में अवेलेबल हो जाता है, ग्रे है, ब्लू है एंड पिंकिश है. तो मैंने ये ग्रेइश कलर में ऑर्डर किया. अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस, इस प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो अच्छा है. इसको प्रेस भी करती हूँ तो ये प्रेस नहीं होता है, काफी स्टर्डी मटेरियल है. हाँ, और जो ये हमारा अलग से ये जो इसका डेस्क ऑर्गेनाइजर के स्ट्रक्चर में इसको दिया गया है, इसको हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पे इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं. एंड काफी अच्छा है ये, आप इसमें अपने क्रीम्स रख सकते हैं, मेकअप के जितने भी प्रोडक्ट्स, ब्रशेज हो गए या फिर फाउंडेशन हो गए, लिपस्टिक्स हो गए, या अलग अलग कंपार्टमेंट दिए गए हैं. आप देख सकते हैं छोटे बड़े अलग अलग साइज के इसमें कंपार्टमेंट्स हैं, और यहाँ पर आप अपनी ज्वेलरीज भी रख सकते हैं इस बॉक्स में, और इसको आप डिटैच भी कर सकते हैं और अटैच भी कर सकते हैं इस तरीके से. एंड अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूँ तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 114 रुपीज़ में मिला था, और ये काफ़ी एक आपके ड्रेसिंग टेबल को, या फिर आप इसको वॉशरूम पे भी इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या फिर आप स्टडी टेबल पे भी इसको रख सकते हैं, अपने स्टेशनरी आइटम्स को भी अरेंज करके रख सकते हैं. जिस भी तरह का आपका क्रिएटिविटी, आप उस तरीके से इसको क्रिएटिव वे में ऑर्गेनाइज करके, स्टाइलिश वे में, एस्थेटिक वे में इसको ऑर्गेनाइज करके अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं. और यह आपके जहां पे भी आप इसको रखोगे, काफी एक स्टाइलिश और एस्थेटिक लुक देने वाला है ये डेस्क ऑर्गेनाइजर. सो गाइज, नाउ आगे बढ़ते हैं विद द सेकेंड प्रोडक्ट. सो सेकेंड प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ मेकअप ऑर्गेनाइजर. सो इसमें हमें 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, अलग अलग शेप और साइज के हैं. सो इसमें बेसिकली आपके जो छोटे और एक जैसे कंपार्टमेंट हैं वो हमें 12 मिल जाते हैं, और 4 बड़े बड़े लार्ज कंपार्टमेंट्स मिल सकते हैं. इसमें आप अपने फाउंडेशंस को रख सकते हैं, ब्रशेस को रख सकते हैं, नेल पेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बेसिकली लिपस्टिक्स को. ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं ये लिपस्टिक्स के लिए है. मेरे पास एक्चुअली बहुत ज़्यादा लिपस्टिक्स हो गए थे, तो उसको प्रॉपरली एक स्टाइलिश वे में इसको मैं अच्छे से डेकोरेट करके यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ. बहुत ही सुंदर है ये एंड काफी अच्छा एस्थेटिक लुक दे रहा है ये. प्लस ऑल्सो आपके वैनिटी को, और जहां पे भी आप इसको एडजस्ट करके रखेंगे, चाहे इसको ड्रेसिंग पे, वैनिटी पे, बेड साइड पे, या फिर वॉशरूम पे, बट बेसिकली मैं इसको ड्रेसिंग टेबल पे रखना पसंद करूँ. एक्चुअली फ्रेंड्स, होता क्या है ना कि जब मेकअप हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं, हमें
जो मेकअप आपको 15 मिनट्स में करना है या 15 मिनट्स में होना है, वो 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि आपके जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं है। अगर आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो आपको कम एफर्ट में और अच्छी तरीके से कम टाइम में, आप अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं, कम एफर्ट लगा करके मेकअप कर सकते हैं। एंड ये मेकअप ऑर्गेनाइजर मुझे पड़ा था सिर्फ 265 रुपीज़ में, तो है ना ग्रेट डील। तो अब आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रोडक्ट की तरफ, दैट इज ऑल्सो अगेन अ मेकअप ऑर्गेनाइजर, अगेन इट्स अ बेसिकली अ लिपस्टिक ऑर्गेनाइजर। इसमें बाकी कोई कंपार्टमेंट नहीं है, एक जैसे सारे कंपार्टमेंट है, बेसिकली 24 कंपार्टमेंट्स हैं मेरे पास। एक्चुअली आप लोग बोल रहे सारी एक जैसी चीज़ें क्यों मंगाई है, क्योंकि मेरे पास लिपस्टिक्स की भरमार है एंड अब मैं उसे अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रही हूँ। जब भी मैं मेकअप करने बैठती हूँ तो मुझे कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है, कोई अगर शेड लिप शेड में ढूंढने जाते हैं तो वो मुझे नहीं मिलता है। सो इससे मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था एंड इट वॉज रियली फ्रस्ट्रेटिंग। जो भी लड़की मेकअप करती होगी उसको पता होगा, अगर उसके पास बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स होंगे तो वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएगी। तो इसलिए मैंने ये अगेन लिपस्टिक ऑर्गेनाइजर, नॉट ओनली लिपस्टिक, आप इसमें अपने ज्वेलरीज स्टड्स एंड ऑल जो छोटी छोटी ज्वेलरीज हो सकते हैं वो भी आप अरेंज करके रख सकते हो, नेल पेंट्स भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप इसमें अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं। ये लिपस्टिक ऑर्गेनाइजर मुझे सिर्फ और सिर्फ 124 रुपीज़ में पड़ा है एंड ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में क्या पता ये इससे भी कम प्राइस पे मिले। तो जल्दी जाकर किसको विशलिस्ट कर दीजिए अगर आपको अपने मेकअप को संभालने में बहुत दिक्कत हो रही है, ये आपके ड्रेसिंग टेबल को या वैनिटी एरिया को या वॉशरूम को ऑर्गेनाइज क्लीन भी दिखाएगा प्लस एस्थेटिक और स्टाइलिश भी दिखाएगा। सो बढ़ते हैं अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगर आप मेरी तरह मेकअप लवर हो, लड़कियां स्पेशली जो मिरर देखना बहुत पसंद करती हैं, तो ये प्रोडक्ट उनको बहुत पसंद आने वाला है। तो मैंने ऑर्डर किया था एक मिरर दैट इज वेरी स्टाइलिश वेरी क्यूट। नाउ आई हैव इन माई बकेट दैट इज मल्टीपर्पज मिरर, सो हेयर इट इज, है ना क्यूट, कितना प्यारा और क्यूट लुकिंग मिरर है ये, आपके वैनिटी को बहुत ही स्टाइलिश और क्यूट लुक देने वाला है। तो ये बेसिकली आपको इस तरह के जो मिरर्स हैं आपको मिनीसो पे भी मिल जाएगा, बट ये मैंने शायद दूसरे ब्रांड से ऑर्डर किया था ये मिरर को। आप देख सकते हो ये इजीली एडजस्टेबल भी है, डिटैचेबल भी है। तो ये जब पैकेजिंग होकर के आया था बहुत ही बढ़िया तरीके से पैकेजिंग इसकी आई थी एंड ये आप इसके नीचे के प्लेट को रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे ये रिमूवेबल है आराम से आप इसको रिमूव कर सकते हैं एंड प्लस ये देखिए आप रिमूव हो गया एंड आपका इतना हैंडी हो जाता है ये, और आपके वैनिटी और ड्रेसिंग एरिया को मेकअप एरिया को बहुत ही क्यूट और स्टाइलिश लुक देगा। प्लस ऑल्सो यहाँ पे इसके छोटे छोटे हैंडल्स हैं, इसमें आप अपने वॉचेस को हैंग कर सकते हो, आपके इयर रिंग्स हो गए वो हैंग कर सकते हो, बहुत ही क्यूट लुक देने वाला है एंड ये 360 डिग्री में इस तरीके से स्विवल हो सकता है ये। एंड इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये आपका डबल साइडेड है, दिस इज नॉट डबल साइडेड बट दिस इज वन साइडेड, बट कोई बात नहीं, इट्स क्यूट। मिनीसो में आपको एक सिल्वर कलर में आपको मिलता है दैट इज डबल साइडेड, ठीक है, बट वो मैंने ऑर्डर नहीं किया। मुझे ये बहुत क्यूट लगा, ये किटी वाला, इसका यहाँ पे इयर्स भी बने जो कि मुझे बहुत क्यूट लगा एंड आई जस्ट लव लव दिस प्रोडक्ट। एंड इसमें दो कलर्स आपको मिल जाते हैं, व्हाइट कलर में भी है, पिंक कलर में भी है। मुझे पर्सनली पिंक कलर बहुत पसंद है एंड लड़कियां तो ऑब्वियसली अगर वो अपने वैनिटी एरिया को बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देना चाहती हैं तो वो इस मिरर का यूज कर सकते हैं, डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी प्लस ऑल्सो फॉर दी मेकअप एंड ऑल के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। एंड ये मुझे मिला है 399 रुपीज में। सो ये तो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है इस हॉल में से। सो गाइज नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज मिनीसो का सैंटेड कैंडल्स, वैक्स कैंडल्स। ये मैं फर्स्ट टाइम ऑर्डर कर रही थी एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स को लेते हुए परचेज करते हुए देखा था कि वो अपने डेकोरेशन में बैकग्राउंड्स में सेंटेड वैक्सेस का यूज़ करते हैं एंड दिस इज़ फ्रॉम मिनीसो। इसको आप अमेजन से भी ले सकते हैं प्लस ऑल्सो यू कैन परचेज इट फ्रॉम दी मिनीसो के ऑफिशियल वेबसाइट से। सो ये इस तरह के कुछ पैकेजिंग में रहता है, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही एस्थेटिक वाइब ये देता है एंड इट इज़
इसका जो फ्लेवर है दैट इज वेनीला लाटे, एंड आपको अलग अलग फ्लेवर्स में ये मिल जाता है, सेंट्स में मिल जाता है, जैसे कि लेमन ग्रास, ट्रॉपिकल पीचेस एंड आपका एप्पल सेक, अलग अलग इसके आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आप अपने हिसाब से जो भी आपको अरोमा पसंद है वो फ्लेवर्स को आप ऑर्डर कर सकते हो. एंड मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा वेनीला, मुझे वेनीला का जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही पसंद है. एंड दिस प्रोडक्ट क्लेम्स कि इट इज़ अ प्रीमियम क्वालिटी का वैक्स, सेंटेड वैक्स, एंड इट हैज 36 आवर्स ऑफ बर्निंग टाइम. जो इसका बर्निंग टाइम है पूरे कैंडल का 36 आवर्स है. बेसिकली हम पूरे टाइम तो नहीं ये कर सकते, बट ये कि जब हम एक पर्टिकुलर रूम पे हैं या मैं शूट कर रही हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मैं इसको लिट करके, बर्न करके, थोड़ा सा जो हमारा रूम है या एनवायरमेंट है या मेरा जो एटमोसफेयर है आसपास का वो एनहांस हो जाएगा, मेरा मूड भी अपलिफ्ट हो जाएगा. बेसिकली इट प्रोवाइड्स अरोमा थेरेपी. एंड अगर व्हेनेवर लाइक आप थोड़ा सा डिप्रेस या आपका मूड स्विंग हो रहा है, तो उस टाइम पे आप इसको लिट करके, बर्न करके बैठ सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय द फ्रेग्रेंस एंड अरोमा थेरेपी. एंड इसकी अगर प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो ये 190 रुपीज में मिला है. बाकी इसका फ्रेग्रेंस एंड ऑल क्या है, कैसे है, वो मैं यूज करके ही बता पाऊंगी. इन बिटवीन अगर कोई वीडियोज आएगा तो उसमें मैं आपको जरूर बता दूंगी. इसका रिव्यू आफ्टर यूज, इसका जो रिव्यू होगा वो मैं पक्का शेयर करूंगी. एंड अभी तो ये ऐसे ही इतना अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा है, इसे ओपन करते ही बॉक्स को जब मैंने ओपन किया तो बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा है. इवन जो मैंने इसको रूम पे रखा था तो वही फ्रेग्रेंस से भर गया था जब मैंने इसको बर्न भी नहीं किया. अब बर्न करेंगे तो क्या होगा. एंड ऑल्सो इट क्लेम्स कि इसका जो ब्लैक स्मोकीनेस है वो बहुत ही कम अमाउंट में निकलता है. सो देखते हैं कि किस तरह का होगा इसका आफ्टर यूज. एंड एक चीज़ ये है कि जब भी आप इसको बाय करेंगे तो आप एक कैंडल नहीं आप बाय कर सकते या परचेज कर सकते. आपको मिनिमम जो ऑर्डर या परचेजिंग होगी दैट विल बी 2. तो 2 में ये मिलेगा आपको एंड 1 ईच इज 190 रुपीज़ का, जो कि अफोर्डेबल है. क्योंकि बाकी अदर्स मैंने जो सेंटेड वैक्स कैंडल्स जो देखे थे दैट वाज 500-600, बहुत ज़्यादा प्राइजी थे. बट मिनीसो अफोर्डेबल रेंज में आपको अच्छा प्रोडक्ट दे सेंटेड वैक्सेस स्पेशली, जो कि हम अरोमा थेरेपी के लिए यूज कर सकते हैं. एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट इज और टाइम से सोच रही थी कि मुझे ये लेना है. सो दिस इज एन अल्फाबेटिकल एलईडी लाइट, एस शेप में है. एस का सिग्निफिकेंस मैं अभी यहाँ पे बता देती हूँ. एस का सिग्निफिकेंस मेरे लाइफ में काफ़ी है. एस से मेरा नाम सृष्टि, एस से हमारे चैनल का नाम, हमारे फैमिली का नाम दैट इज स्पार्कलिंग दीवा, एस से मेरी मम्मा का नाम, एस से मेरे फादर. सो मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी कि मेरे बैकग्राउंड में एक एस एलईडी अल्फाबेट एलईडी लाइट हो. तो मैंने ये ऑर्डर किया, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है. एंड आपको ये इस तरह के अच्छे से पैकेजिंग में, मैं डर रही थी काफ़ी कि एलईडी लाइट है कहीं टूट ना जाए, कहीं किस तरह का आएगा, बट बहुत सेफली अच्छे से पैक्ड होकर के ये आया था. इसमें आपको 4 LED लाइट्स मिल जाते हैं एंड आपको बैटरी विदाउट बैटरी ये आता है. 2 बैटरियाँ पीछे की तरफ आप लगा सकते हैं एंड ये आप देख सकते कर दे तो बहुत ही प्यारा है. गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी बहुत ही अच्छा है. प्लस ऑल्सो आपको जो अल्फाबेट्स अवेलेबल हो जाएगा दैट इज फ्रॉम A to Z, अलग अलग अल्फाबेट्स अवेलेबल हो जाएगा आपको. प्लस ऑल्सो न्यूमेरिक्स भी अवेलेबल है, 0 से लेके 9 तक. आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली अगर किसी को लाइक होम हो गया या फैमिली हो गया, स्वीट होम हो गया, इस तरह करके आप अलग अलग अल्फाबेट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं एंड डेकोरेट कर सकते हैं घर में, अपने आपके बैकग्राउंड में, आपके लिविंग एरिया पे, या फिर आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं. सो मुझे पर्सनली ये चाहिए था तो मैंने अपने बैकग्राउंड के लिए मंगाया. आई डोंट नो कि कितने हद तक ये लास्ट करेगा या आई डोंट नो कब तक ये चलेगा. और इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो इट वॉज 339 रुपीज़ में ये मेरे को मिला. एंड मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया डेकोरेशन के हिसाब से, होम डेकोरेशन के हिसाब से. अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आप इसको परचेज कर सकते हैं. और इसका मैं शॉर्ट वीडियो, अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं. नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिए कि किस तरीके से ये, किस कंडीशन में आता, किस किस तरीके से पैक्ड हो के आया था एंड इसका आफ्टर लुक कैसा था. सो वो ज़रूर चेकआउट कर लीजिए. सो
आप अपने अल्फाबेट्स के प्रेफरेंस के हिसाब से आप अल्फाबेट को ऑर्डर कर सकते हैं, वेदर आपको एक ही चाहिए या एक फ्रेज में या फिर वर्ड में आपको चाहिए, आप जिस भी तरीके से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो यही थे आज के हमारे प्रोडक्ट्स, बेसिकली हमारे होम प्रोडक्ट्स थे, होम ऑर्गेनाइजर्स थे, होम डेकोरेशन प्रोडक्ट्स थे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा सबसे अच्छा प्रोडक्ट लगा इनमें से, या आपने कोई प्रोडक्ट इसमें से अभी तक ऑर्डर किया है या उसका आफ्टर यूज एंड ऑल, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। और हाँ, कमेंट बॉक्स पे आप ये भी बता दीजिएगा कि आगे आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, तो जरूर मैं उसको प्लान करके शूट करके आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो यही था आज का वीडियो, यही था अमेजन हॉल, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप इनको विशलिस्ट कर लीजिए। 3 अक्टूबर से ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आने वाला है, तो उसका भरपूर फायदा उठा लीजिएगा। आपको पसंद आएगा, आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ में, एंड कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन ऑफ माय चैनल। तो मिलती हूँ अगली बार किसी एक्साइटिंग टॉपिक या किसी व्लॉग के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइस।